तो कैसे हम चंद्र ग्रह को मजबूत करें, कैसे हम इस चीजों को सही करें। अब एक और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि चंद्र तो है, दूसरा ग्रह है राहु। राहु हमें भ्रमित कर देता है, जो चीजें आपके सामने दिखाई दे रही है वो वाकई में वैसी है या नहीं है, ये जो कंफ्यूजन है ये राहु क्रिएट कर देता है। तो पहला ग्रह है चंद्र और दूसरा है राहु, इन दोनों की जुगलबंदी किसी काम में मन नहीं लगने देती। कोई भी काम आप करें उसमें आपको मन मुताबिक फल नहीं मिलेगा और जीवन में कई सारी परेशानियां आप झेलते रहते हैं। अब बात आती है कि इनको हम सही कैसे करें, ऐसे क्या उपाय करें जिससे ये सही हो जाए। मैं वो बातें आपसे बताऊं, उससे पहले छोटा सा निवेदन है कि अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में भोलेनाथ का एक नाम लिखे, हर हर महादेव, जय शिव शंभो लिखे। और अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस उसका शुल्क लागू है। दोस्तों चंद्र की व्यथा को सुधारने के लिए शिव जी का सोमवार का व्रत रख सकते हैं। पहली बात, आप सुबह से शाम सूर्य उदय से सूर्यास्त तक या सूर्यास्त से सूर्य उदय से पहले तक का उपवास रखें, 12 घंटे का उपवास रखें, या अगर 24 घंटे का रख पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। उस उपवास को रखने से आपकी चंद्र जो है वो मजबूत होगा। दूसरा है, शिव जी को जल और दूध मिलाकर अभिषेक करने से भी चंद्र मजबूत होता है। अब अगली बात है कि चंद्र को मजबूत करने के लिए आप ये दो उपाय तो करें ही, शिव जी को इत्र लगाने से भी चंद्र मजबूत होता है, साथ ही साथ ओम सोमाय नमः इस मंत्र के जप करने से भी चंद्र मजबूत होता है। इन प्रयोगों को आप 7 दिन तक प्रयोग में करें, जैसे मंत्र है आप रोज जप करें ओम सोमाय नमः, तो उससे आपको फायदा बेशक बहुत कम समय में दिखाई देने को मिलेगा इसे। और दूसरी बात है कि राहु जो है, राहु एक भ्रम है, राहु एक ब्लैंकनेस है। जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही है, जिनको आपके साथ परेशानियां क्रिएट हो रही, जो है ही नहीं फिर भी हो रही है, जिसमें आपको कोई लेना देना नहीं फिर भी चीजें हो रही है, तो ये एक भ्रम है। और ऐसी भ्रामक स्थितियों में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो राहु के आपको उपाय करने के। राहु का उपाय सबसे पहले तो आप काल सर्प दोष की पूजा करा सकते हैं नासिक त्र्यंबक में, पहली बात। दूसरा है कि राहु के जप करवा सकते हैं। तीसरा है कि राहु जितने सारे जरूरतमंद है, जो बहुत ही जरूरतमंद लोग हैं उनकी जरूरतों की चीजें डोनेट करके भी राहु शांत हो सकता है। इसके अलावा बहते पानी में कोयला अगर आप बहाएंगे, खड़ा कोयला, तो उससे भी राहु शांत होता है। इन दोनों उपायों को, दोनों तरीकों का कुछ हद तक फॉलो करके आप अपने जीवन में बहुत सी चीजों को सही कर सकते हैं। बहुत से जातकों ने किया, आप भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। और दोस्तों प्लीज अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो स्क्रीन पर नंबर चली रहे, आप आए व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले और अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, उसका फीस उसका लागू है। तो कमेंट्स में लिखे ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।